हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन अकेडमी। आज के इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन नाम के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम उसके अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, यानी कि किस तरह से उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब को बनाते हैं। और मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ, नाम सुनकर नहीं डरना है। टॉपिक का नाम सुनने में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन है ये टॉपिक बहुत ही आसान। और इस टॉपिक को मैं इतने अच्छे से क्लियर करूंगी कि आपको ये टॉपिक हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को समझने के लिए मैं आपको दो हिंट्स दूंगी, बिल्कुल इसके पहले वाले वीडियो की तरह। और जब आप उस दो हिंट्स को समझ जाएंगे ना, तो आपके लिए उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए उस हिंट्स को समझते हैं। हिंट नंबर वन है, इसको समझने के लिए हम उत्तल दर्पण बनाएंगे। आप जानते हैं ना, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह ऊपर की ओर होता है, ठीक है। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये मान लीजिए इसका वक्रता केंद्र हो गया। जानते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, देखिए ये जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और ये मान लीजिए उसका फोकस बिंदु हो गया इस दर्पण का। अब हमको हिंट नंबर वन समझना है। तो मान लीजिए कोई किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, ठीक है, यानी कि आई, ठीक है, और इस दर्पण के इस बिंदु पर टकरा गई, तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम से जब कोई प्रकाश के परावर्तक सतह पर टकराती है तो उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु, और उस आपतन बिंदु पर हम लंब खींचते हैं। देखिए, जब प्लेन मिरर होता है तो उस पर हम आसानी से लंब खींच देते हैं, 90 डिग्री का लाइन खींच देते हैं। इस पर 90 डिग्री का लाइन किस तरह खींचेंगे? देखिए मैं बताती हूँ, ये जो गोला है इस कभी भी केंद्र को परिधि से मिलाते हैं तो वो 90 डिग्री का लाइन होता है। कभी भी केंद्र को परिधि से मिलाएंगे तो 90 डिग्री का लाइन होगा। तो ये भी तो एक गोला है और उसका ये केंद्र है, तो इस केंद्र को जब इस परिधि से इस आपतन बिंदु से मिलाएंगे तो ये भी तो एक 90 डिग्री का लाइन होगा ना। तो ये हो गया इसका लंब, ठीक है। अब ये जो है ये हो गया इसका आपतन कोण। जितने कोण में ये आई है, यानी कि आपतन कोण है, जितने कोण में आई है उतने ही कोण में ये वापस लौटेगी। तो इसको लौटा दीजिए इस तरह, मान लीजिए ये इस तरह लौट गई, और ये हो गया आपका आपतन कोण, यानी कि आपतन कोण इज इक्वल्स टू परावर्तन कोण। ये हो गया। अब ये जो किरण है वो टकरा कर वापस चली गई, लेकिन अब इस किरण को हम पीछे की तरफ खींचें, पीछे की तरफ एक्स्ट्रा फ्लॉट करें, बहिलेखन करें, तो ये इस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। मिलेगी नहीं, मिलती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो यही आपका हिंट नंबर वन है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती है नहीं, मिलती हुई प्रतीत होती है। ये आपका हिंट नंबर वन है। अब कितनी भी किरण आएगी मुख्य अक्ष के, वो समांतर आती है तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद, मान लीजिए ये किरण आ रही है, ये किरण, इस पर भी आप लंब खींच दीजिए, जब ये परावर्तित होगी तो ऐसे लगेगी कि इस फोकस बिंदु पर मिलती प्रतीत हो रही है, वास्तव में मिलेगी नहीं। अब जितनी भी सारी किरण आएगी अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। ये आपका हिंट नंबर वन है। और लिखिए इस बात को कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा हमेशा फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। ये आपका हिंट नंबर वन हो गया। और यहाँ पर मैं एक बात और बता दे रही हूँ, जो उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु होता है ना वो आभासी होता है, क्योंकि वास्तव में तो किरणें मिलती नहीं है, हम जबरदस्ती मिलाते हैं, इसीलिए उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु आभासी होता है। तो आपका हिंट नंबर वन समझ में आ गया। अब हम हिंट नंबर टू समझेंगे, मैं मिटाती हूँ तब समझेंगे नंबर टू। नंबर टू, इसको समझने के लिए फिर से हम उत्तल दर्पण बनाएंगे। ये हो गया उसका मुख्य अक्ष, ये हो गया उसका वक्रता केंद्र, और ये हो गया फोकस बिंदु।
अब मान लीजिए कोई किरण है, अब वो डायरेक्ट इस वक्रता केंद्र पर टारगेट करते हुए आ रही है, यानी कि वक्रता केंद्र पर आ रही है डायरेक्ट इस तरह। तो ये हो गया इसका आपतन बिंदु। जब आप इस पर लंब खींचेंगे तो केंद्र को इस बिंदु से मिलाएंगे, तो ये मिला दीजिए, ठीक है। तो देखिए ऐसा लग रहा है कि ये अभिलंब पर ही किरण आ रही है, तो ये जो किरण है ये आई है और इस बिंदु पर टकराई है, तो इस बिंदु पर जब हम अभिलंब खींच रहे हैं तो वो किरण की दिशा में ही खींचा जा रहा है अभिलंब, यानी कि जो किरण आई है वो अभिलंब पर ही आई है, यानी कि आपतन कोण 0 डिग्री है, तो परावर्तन कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा, यानी कि जिस एंगल में 0 डिग्री एंगल में आई है किरण, तो उसी दिशा में उसी एंगल में 0 डिग्री एंगल में ही वापस लौट जाएगी। तो यही आपका हिंट नंबर 2 है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है, ठीक है। क्यों लौट जाती है, क्योंकि 0 डिग्री आपतन कोण होता है, तो परावर्तन कोण भी तो 0 डिग्री होगा ना, ठीक है। तो आप इस बात को लिखिए कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये हो गया आपका हिंट नंबर 2। अब आप ये दोनों हिंट्स को समझ गए होंगे तो आपके लिए उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को समझते हैं। मैं इसको मिटाती हूँ। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए हमें बिंब चाहिए होगा, क्योंकि जब बिंब रहेगा तभी तो उस उत्तल दर्पण पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। बिंब मतलब होता है वस्तु जिसका हमें प्रतिबिंब बनाना है, तो बिंब रहेगा, वस्तु रहेगा, तभी तो उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनेगा ना। तो हम बिंब को यानी कि वस्तु को अलग अलग जगह पर रखेंगे और उस अलग अलग जगह पर रखी वस्तु का उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाएंगे। तो पहली हम स्थिति कहाँ रख रहे हैं, बिंब की स्थिति हम ले रहे हैं अनंत पर। मैं ब्लू पेन से लिख दे रही हूँ, अनंत पर। हम बिंब को कहाँ रखें, वस्तु को कहाँ रखें, अनंत पर, यानी कि बहुत ही दूर, जहां पर हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको अनंत को और अच्छे से समझना चाहते हैं, अगर आप अनंत को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारा इसके पहले वाला वीडियो को आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, हम वस्तु को कहाँ रखें, अनंत पर, बहुत ही दूर रखे हैं। तो चलिए हम समझते हैं इसका किस तरह प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण बनाएंगे यहाँ पर, और ये हो गया उसका मुख्य अक्ष, ये हो गया उसका वक्रता केंद्र, और ये मान लीजिए फोकस बिंदु, ठीक है। हम वस्तु को अनंत पर रखे हुए हैं, तो उस वस्तु से 2 किरणें निकालेंगे और वो 2 किरणें इस दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी मिलती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि उत्तल दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब बनता है ना, तो वो आभासी बनता है, ठीक है। तो जब उस वस्तु से 2 किरणें निकालेंगे और 2 किरणें इस दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, उस बिंदु पर उस वस्तु का बन जाएगा प्रतिबिंब। तो हम अनंत से 2 किरणें मंगाएंगे, और जब भी अनंत से 2 किरणें आती है तो वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये हो गई पहली किरण और ये हो गई दूसरी किरण, ठीक है। और आपने अभी अभी हिंट नंबर 1 में क्या पढ़ा कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर ये तो परावर्तित तो होगी, ये भी परावर्तित होगी, लेकिन अगर इसको पीछे की तरफ मिलाया जाए तो इस फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। और इस फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, यानी कि इस फोकस बिंदु पर बन गया उस वस्तु का प्रतिबिंब। अनंत पर रखी हुई वस्तु का कहाँ प्रतिबिंब बना, फोकस पर। वास्तव में तो ये दोनों किरणें एक दूसरे से दूर जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, लेकिन जब हम इसको पीछे की तरफ एक्स्ट्रा फ्लॉट कर इस बिंदु पर मिलाए, फोकस बिंदु पर मिलाए, तो फोकस बिंदु पर मिल रही है, यानी कि फोकस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति हम लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, फोकस बिंदु पर बना है, तो लिखेंगे फोकस बिंदु पर, फोकस पर। अब
प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रकृति लिखिए। ध्यान दीजिए, ये दोनों किरणें टकराकर वास्तव में तो एक दूसरे से दूर चली आ रही हैं, एक दूसरे से इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, यानी कि ये कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन हम इसको जबरदस्ती मिलाकर इस फोकस बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है, इसको जबरदस्ती हम मिला रहे हैं, तो ये जो प्रतिबिंब बना है वो कौन सा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि हम इसको जबरदस्ती मिला रहे हैं। तो लिखेंगे आभासी तथा पहली किरण टकराकर ऊपर चली गई, नीचे वाली किरण टकराकर नीचे चली गई, यानी कि जो ऊपर थी किरण वो टकराकर ऊपर चली गई, नीचे थी किरण वो टकराकर नीचे चली गई, यानी कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा बन रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे सीधा। वस्तु का आकार कैसा होगा? आपका जो वस्तु रखा है वो कहाँ पर रखा हुआ है? अनंत पर रखा हुआ है, और उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? एक बिंदु पर, फोकस बिंदु पर बन रहा है, यानी कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो अत्यंत छोटा, बहुत ही छोटा, अत्यंत सूक्ष्म है। तो लिखेंगे वस्तु का आकार अत्यंत सूक्ष्म। ठीक है, तो हमने बिंब की स्थिति रखी थी अनंत पर, और उसका प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। कैसा बना? आभासी तथा सीधा और बहुत ही छोटा, अत्यंत सूक्ष्म। ये हो गया आपका पहला स्थिति। अब हम समझते हैं दूसरी स्थिति, यानी कि अब हम बिंब को दूसरे स्थिति पर रखेंगे, दूसरे जगह पर रखेंगे, और तब हम इस उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब को बनाएंगे। तो मैं मिटाती हूँ। अब हम बिंब की स्थिति लेंगे ध्रुव व अनंत के बीच, अनंत के मध्य। ठीक है, और तब हम उसका प्रतिबिंब बनाएंगे। तो यहाँ पर हम उत्तल दर्पण बनाएंगे, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, और ये हो गया उसका मुख्य अक्ष, ये हो गया उसका केंद्र, और ये मान लीजिए उसका फोकस बिंदु, और ये हो गया उसका ध्रुव। ठीक है, हम वस्तु को कहाँ रखे हैं? अनंत और इस ध्रुव के बीच, यानी कि अनंत और इस ध्रुव के बीच कहीं भी वस्तु को रख दीजिए, उस वस्तु तब वो वस्तु ध्रुव और अनंत के मध्य हो जाएगी। यानी कि आप वस्तु को यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, बस अनंत और ध्रुव के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो हम मान लीजिए वस्तु को यहाँ पर रख दिया है। अब वस्तु को हम यहाँ पर रख दिए हैं, अब इस वस्तु से दो किरणें मंगाएंगे, और वो दो किरणें इस दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी या फिर मिलेंगी, तो उस वस्तु का बन जाएगा इस वस्तु प्रतिबिंब। ठीक है, तो इस वस्तु से दो किरणें निकालिए, पहला ये हो गया सीधा। ठीक है, आपने अभी हिंट नंबर वन में क्या पढ़ा? जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी होती है। तो ये चली गई इस तरह, और इस फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ये हो गई आपकी पहली किरण। दूसरी किरण ऐसे लेकर जाइए कि वह वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत हो। तो ये हो गई। और आपने अभी अभी क्या पढ़ा? जब कोई प्रकाश किरण, हिंट नंबर टू में पढ़ा ना आप कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो ये किरण जिस दिशा में आई है, देखिए वक्रता केंद्र पर आती ही प्रतीत हो रही है ना, तो ये जिस दिशा में आई है उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। लेकिन हम इसको पीछे की तरफ खींचे तो ये हो गया, और इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। वास्तव में ये दोनों किरणें जो है एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन हम इसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं तो ये इस बिंदु पर मिल रही है, यानी कि इस बिंदु पर इस वस्तु का क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। तो हम वस्तु को कहाँ रखे थे? ध्रुव और अनंत के बीच, और उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? ध्रुव और फोकस के बीच। तो लिखिए इस बात को, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति
कहाँ है? ध्रुव और फोकस के बीच। ध्रुव व फोकस के मध्य, ठीक है। अब हम प्रतिबिंब की प्रकृति देख लेते हैं क्या है, ठीक है। ये दोनों किरणें वास्तव में तो मिल नहीं रही है, वास्तव में तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन हम इसको जबरदस्ती मिलाए हैं, और जब ये जबरदस्ती मिली है तो इसका प्रतिबिंब बना है, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, तो लिखेंगे आभासी, ठीक है। तथा सीधा बन रहा है, क्योंकि पहली किरण टकरा कर ऊपर चली गई और दूसरी किरण टकरा जिधर गई थी उधर वापस चली गई, यानी कि दर्पण के सामने बन रहा है और सीधा बन रहा है, तो सीधा लिख देंगे। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गई, आभासी तथा सीधा। अब प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर कि ये वस्तु इतनी बड़ी है और इसका जो प्रतिबिंब बना है वो इतना छोटा बना है, यानी कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना है, तो लिखेंगे वस्तु से बिंब से छोटा, ठीक है। ये हो गया आपका, हम कहाँ पर रखे थे वस्तु को, ध्रुव व अनंत के मध्य रखे थे, यानी कि ध्रुव और अनंत के बीच रखे थे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच बना, और प्रकृति कैसी थी, आभासी तथा सीधा, और आकार कैसा हुआ, बिंब से छोटा। ये आपको दोनों स्थिति समझ में आई कि आ गई किस तरह प्रतिबिंब बना। जो उत्तल दर्पण में सिर्फ दो ही स्थिति है, क्योंकि अब इसके बीच तो ध्रुव वक्रता केंद्र या फिर फोकस तो आ नहीं रहा है, अवतल दर्पण में इसलिए छह स्थिति बनी थी क्योंकि इसके परावर्तक सतह की ओर क्या था, अवतल दर्पण में छह स्थिति इसलिए बनी थी क्योंकि परावर्तक सतह की ओर केंद्र था, फोकस था, इसीलिए कभी हम फोकस से परे रखते थे, कभी कभी केंद्र पर रखते थे, कभी केंद्र और फोकस के बीच रखते थे। लेकिन इसमें जो परावर्तक सतह उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह है वो इधर है और इसका केंद्र और फोकस पॉलिश सतह की ओर है, तो इधर हम वस्तु को रखेंगे तो प्रकाश का परावर्तन तो होगा नहीं, तो इधर हम वस्तु को रख रहे हैं तो इधर तो केंद्र और फोकस है ही नहीं, इसीलिए दो स्थिति आ रही है, एक तो अनंत और एक ध्रुव और अनंत के बीच। बस अगर परावर्तक सतह अगर इसका इधर रहता उत्तल दर्पण में तो इधर हम वस्तु को रखते और केंद्र और फोकस के बीच बहुत सारी स्थितियाँ आती, लेकिन इसमें परावर्तक सतह किधर है, इधर है, इसमें केंद्र और फोकस कहाँ है, पॉलिश सतह की ओर है, इसीलिए इसमें उत्तल दर्पण में दो ही स्थिति बनती है, अवतल दर्पण में छह स्थितियां बनती है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं यहाँ पर दो और आपको इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, पहला ये है अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, और दूसरा उत्तल दर्पण का उपयोग, क्योंकि जब मैं आपको अवतल और उत्तल दर्पण पढ़ाई थी तब मैं वहाँ पर आपको बताना भूल गई थी इन दोनों का उपयोग, तो इस वीडियो में मैं बता दे रही हूँ। अवतल दर्पण का उपयोग होता है टॉर्च में, सर्च लाइट में, और जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं ना वो दांत को जांच करने के लिए उस दर्पण का उपयोग करते हैं, और उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहनों के साइड मिरर में, यानी कि जितने भी ट्रक बस बाइक होती है ना उसके साइड में जो मिरर होता है वो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। तो ये अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग समझ गए, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आने वाले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।